भाई इसको हमने कन्वर्ट करा है बाहर से और अंदर से प्रॉपरली S11 क्लासिक में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई आप कह रहे थे यार वरना ही वरना दिखा रहे हो, स्कॉर्पियो कहाँ गई, स्कॉर्पियो उसका क्या हुआ, क्या है क्या नहीं। तो भाई स्कॉर्पियो से काम दूर हो सकते हैं, तो स्कॉर्पियो एक और आपके सामने खड़ी है रेडी होके। और ये स्कॉर्पियो है ऑलरेडी 2019 मॉडल, और ये थी S3 वेरियंट जो कि बेस वेरियंट होता है स्कॉर्पियो का। तो भाई इसको हमने कन्वर्ट करा है बाहर से और अंदर से प्रॉपरली S11 क्लासिक में। और S11 क्लासिक में करने के लिए क्या क्या कर रहा है आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो आप हेडलाइट्स देख रहे हो, ये कस्टमर पहले से ही नई डलवा के आए हुए थे, इनकी पहली S11 की लाइट्स थी, इसके कनेक्शन वगैरह करने थे वो करें। और जो आप ये फ्रंट की ग्रिल देख रहे हो, ये पूरा फेशिया देख रहे हो, इसके अंदर जितने भी है, जैसे बम्पर हो गया और इसके अंदर इवन ब्रैकेट हो गए, DRL, यहाँ का बेजल, फॉग लैम्प, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी ब्रांड न्यू महिंद्रा जेन्युइन डली हैं क्लासिक की। और A to Z जितनी भी आपको इस गाड़ी के अंदर चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो प्रॉपर क्लासिक। आज अगर आप शोरूम के अंदर एंटर करते हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी महिंद्रा शोरूम में आप जाओगे तो आपको यही स्कॉर्पियो सेम खड़ी दिखेगी। तो इसको हमने पूरी तरीके से रिस्टोर भी करा है, थोड़ा सा इसमें पेंट जॉब थी, इसके अंदर डेंट वर्क था, और पर्ल वाइट में ये गाड़ी पेंट करी है, छत समेत पूरी गाड़ी पेंट हुई है। और छोटे मोटे काम हमने इसके अंदर और क्या किए हैं मैं आपको बता देता हूँ। फ्रंट से शुरुआत करते हैं, तो भाई सारा सामान इसमें फ्रंट पे क्लासिक का डल चुका है। क्लासिक का डलने के लिए इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है मैं आपको बताता हूँ। हेडलाइट S11 की रहती है, क्योंकि हेडलाइट चेंज कराने का तुक लग नहीं रहा था, ऑलरेडी ब्रांड न्यू हेडलाइट्स इसके अंदर S11 की इंस्टॉल्ड थी, इसलिए। बात करते हैं इसकी ग्रिल की, तो ये क्लासिक की ओरिजिनल ग्रिल है, महिंद्रा जेन्युइन इसका अगला बम्पर है, महिंद्रा जेन्युइन ही DRL है और फॉग लैंप है, यहाँ का बेजल है। उसके बाद भाई ये सिर्फ बम्पर इतने पे ख़त्म नहीं होता, ये जो नीचे की आप क्लैडिंग देख रहे हो ये क्लैडिंग भी इसके अंदर इंस्टॉल हुई है, और ये ग्रिल भी इंस्टॉल हुई है। इवन एक छोटी सी चीज़ जो कि मेजर रोल प्ले करती है वो है ये छोटा सा टोचन कैप, तो ये टोचन कैप तक हमने इसके अंदर महिंद्रा जेन्युइन ही इंस्टॉल किया है। और आगे से अगर आप पूरी गाड़ी की लुक देख रहे होगे तो आपको भाई प्रॉपर कहीं से भी लगने नहीं वाली कि ये क्लासिक है। और बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि भाई आप क्लैडिंग क्यों नहीं डालते, तो वो वाली शिकायत इसमें पूरी हो चुकी है, क्योंकि इसमें कस्टमर का बजट अच्छा खासा था। तो भाई शुरुआत थोड़ी साइड से करते हैं, ये जो आप प्रीमियम साइड देख रहे हो इसकी, इसमें क्या कुछ महंगा महंगा काम किया गया मैं आपको बता देता हूँ। जो एक S3 होती है और S वेरिएंट मतलब टॉप के जो वेरिएंट होते हैं उसको अगर बेस में ले आओ तो भाई आपका इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है। और अगर आज आप जाओगे शोरूम में गाड़ी खरीदने S11 क्लासिक, तो उसमें भी इंडिकेटर यहाँ आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले गाड़ी S11 आती थी 22 लाख रुपए की, अब आ रही है 18 लाख रुपए की, उसमें करिए कॉस्ट कटिंग। तो भाई हमने तो करनी नहीं थी इसमें कॉस्ट कटिंग, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कस्टमर पैसा लगा रहे थे। तो भाई यहाँ पे S11 पहले वाले जो बेजल आते थे बंद इंडिकेटर वाले वो लगाए हैं, और यहाँ का इंडिकेटर लगता तो यहीं पे स्लीक है, तो भाई ये इंडिकेटर भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। और साइड मिरर ही चेंज करे हैं, खैर इसके अंदर जो डंडी से चलने वाले साइड मिरर थे वो थे, इंडिकेटर पहले से इंस्टॉल्ड थे लेकिन हमने इसके साइड मिरर चेंज कर दिए। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर करी है जो कि कस्टमर की खुद की चॉइस थी, थार के ओरिजिनल नए एलॉय टायर का सेट डल चुका है, सेट ऑफ 4 इसके अंदर, तो भाई लाइफ बढ़ चुकी है गाड़ी की। वैसे भी 37,000 ही चली थी ये गाड़ी। यहाँ पे भाई ये क्लैडिंग्स इसकी इंस्टॉल हुई है क्लासिक वाली, ठीक है, ओरिजिनल महिंद्रा की S11 क्लासिक की क्लैडिंग है ये। इसके बाद इसके अंदर और क्या किया गया, थोड़ा सा स्लीक क्रोम इसके अंदर डाला गया, जैसे कि ये हैंडल, ताकि ओवर भी ना लगे। और ये अगर आपको क्रोम दिख रहा है ना जितना भी, ये सारा क्रोम ओरिजिनल गैलियो का है, ये इसके अंदर एडअप हुआ है। साइड में ये जो आप बिडिंग देख रहे हो ये ब्रांड न्यू इसके अंदर इंस्टॉल हुई है। आप देख रहे होंगे ये रियर बम्पर, ये S3 के अंदर ऑलरेडी आता है 19 मॉडल के अंदर, लेकिन इसमें जो आप ये इंडिकेटर देख रहे हो, ये रिफ्लेक्टर लाइट देख रहे हो, ये मैट्रिक्स वाली रिफ्लेक्टर लाइट्स इसके अंदर डल चुकी हैं, ये रिफ्लेक्टर लाइट्स इसके अंदर डल चुकी हैं। फिर इसके अंदर भाई ये डीप पिलर जो आप देख रहे हो, ये डीप पिलर इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं, मैट्रिक्स स्कैनिंग वाले हैं, मैट्रिक्स डीप पिलर लाइट इंस्टॉल हो चुकी है। तो भाई ये है कुछ तरीके, मतलब कुछ लुक इसकी रियर से। और ये गार्ड जो देख रहे हो भाई, ये कस्टमर खुद जाकर लेके आए हैं, इसमें ऐसी बहुत सारी एसेसरीज हैं जो वो खुद अपनी चॉइस से लेके आए हैं, बहुत बड़ी। और भाई पिछला वाइपर चलाना होगा इस, तो भाई ये पिछला इसका वाइपर है वर्किंग, आगे ये पानी भी चल रहा है भाई, चेक कर लो, ये बड़ा आजकल ट्रेंड है दिखाने का कि भाई पीछे पानी पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो भाई ये चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या काम किया, जो कि बेस टू टॉप मॉडल करने वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, ना कि वो करते हैं, भाई इस गाड़ी की प्रॉपर सर्विस वगैरह हुई है। और इसके अंदर एक मेजर काम हुआ है सस्पेंशन का, तो भाई सस्पेंशन इसके अंदर महिंद्रा जेन्युइन सारी सस्पेंशन ब्रांड न्यू लगी है इसके अंदर, जिसके अंदर आ जाते हैं भाई शॉकर,
सस्पेंशन की सारी बुशकिट प्लस जितने चिमटे की गोलियां होती हैं वाइपर ये आर्म की गोलियां होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। लिंक रॉड वगैरह प्रॉपर तरीके से स्टीयरिंग के एंड प्रॉपर सस्पेंशन इस गाड़ी की नई हो चुकी है, काम मांग रही थी कर दिया गया है। आओ इंटीरियर पे चलते हैं, इसकी फ्लैश ऑन कर दो। तो भाई ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, भाई ये जो सेंटर में सीट्स आती है ये मैंने पीछे कर दी गई है। तो आपको पता है कि हमारा सिग्नेचर है, अगर कोई हमारे से इंस्टॉल कराता तो हम ये काम करते हैं। तो भाई इसकी जो सेंटर में सीट थी वो आ चुकी है पीछे, और आगे चार कैप्टन इंस्टॉल करी है हमने, चार कैप्टन सीट इसके अंदर। नीचे फ्लोरिंग अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पूरी फ्लोरिंग करी गई है भाई, ठीक है। फ्लोरिंग हो जाने के बाद भाई पूरी गाड़ी सेक्सी बन चुकी है इंटीरियर से। तो भाई ये देख लो आप एक बार, कैप्टन सीट्स इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं, और एक नहीं और सॉरी लाइट की कमी, अब दिन हो गया। तो भाई गलती कर दी फोन ऑन करके, फोन की फ्लैश ऑन करके, भाई अब देख लो दिन हो चुका है गाड़ी के अंदर। कॉम्बिनेशन में एक बार आप इसका स्विच, ये पूरा एक बार स्टेयरिंग देख लो, ये स्टेयरिंग जो आप इसका देख रहे हो इसके अंदर भाई वो वाला स्टेयरिंग आता है जिसके अंदर ये लग नहीं सकते, इसका स्टेयरिंग व्हील पूरा चेंज हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नया लोगो एयरबैग आ गया, ठीक है, नया लोगो यहाँ भी इंस्टॉल कर दिया हमने, और स्टेयरिंग डुअल टोन में हमने इसका कंपनी स्टिचिंग में कराया। एक बार चेकआउट करके बताओ कि आपको लग कैसा रहा है। प्लस अगर आप इंटीरियर पे गौर डालोगे तो भाई इंटीरियर जो है ना इसका, ये देखो ध्यान से, ये सारे के सारे पैनल्स, डैशबोर्ड, ये सेंटर का कंसोल, ये सारा हमने भाई पेंट किया है क्लासिक के पेंट में ओरिजिनल, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमने क्रेटा वाला ओरिजिनल सनग्लास होल्डर इंस्टॉल किया है विद दो लाइटों के साथ, 100 वाट की लाइटें हैं, और ये देखो कितना परफेक्ट वर्किंग है भाई इसकी, ठीक है। और ये क्रेटा का है, स्कॉर्पियो का नहीं लगाया क्योंकि स्कॉर्पियो का थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन इसकी प्रीमियम क्वालिटी नेक्स्ट लेवल लगती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इंस्टॉल हुआ है। ये गियर बूट में जो आप ये कपड़ा देख रहे हो ये भाई इन्हीं सीटों से मैच होता हुआ लगा है, ये कॉम्बिनेशन में पूरे इंटीरियर हमने करा है। इंटीरियर के अंदर भाई रियर आप देख रहे हो ये पूरा ब्लैक है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसकी फिनिशिंग ये सारी की सारी भाई ओरिजिनल नापा लेदर में हुई है। तो भाई एक चीज जो हमारे यहाँ की बन चुकी है सिग्नेचर वो है ये। तो भाई पीछे भी हमें पूरा कम्फर्ट मिलने को तैयार है, और ये देखो भाई प्रॉपर तरीके से हमारी सीट्स इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं, और यहाँ भी मैं अगर बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर आप यहाँ मेरा नी सपोर्ट देखोगे तो बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा, और इसको मैं जितना चाहूँगा उतना आगे कर सकता हूँ। ये देखो इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, जितना मर्जी मैं चाहूँगा इसको इनक्लाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो भाई आप बताना कमेंट करके कि आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है। अब एक और चीज़ जो इसको S11 बनने से रोकती थी उसको भी हमने कर दिया है, वो है, मैं एक बार कैमरा पकड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो गाइज इसका डैशबोर्ड आपको कैसा लग रहा है। तो भाई ये जो आप इसके अंदर मीटर देख रहे हो भाई ये S11 का लग चुका है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भाई प्रॉपर तरीके से आप एक बार डैशबोर्ड की लुक देख लो, इंटीरियर की लुक देख लो, पीछे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देख लो भाई मेरे को कैसी लग रही है, और यहाँ पे देख लो भाई, ठीक है, ये आपको पूरी सूट कर रही है। इसके बाद भाई यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आ जाती है, वो है भाई साइड मिरर कंट्रोल्स, तो वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए भाई। ये है साइड मिरर कंट्रोल, एक बार मैं आपको यहाँ से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। ये देखो नीचे, ये ऊपर, लेफ्ट राइट, तो भाई परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। ये इसके अंदर इंस्टॉल हो गए हैं, और भाई जिसको चाहिए कि भाई गाड़ी की चाबी चेंज हो जाए तो लॉक सेट भी इसका चेंज हुआ है, प्लस इसमें इंस्टॉल हो चुकी है महिंद्रा की S11 की की। अब ये बता देना भाई कैसी लग रही है, और सेंटर लॉकिंग भी इसके अंदर डाली है हमने, ये देखो, ठीक है भाई वर्किंग है। और यहाँ से हम इसको लगाते हैं और मीटर की एक बार लाइट देखते हैं, तो भाई ये देखो भाई इसकी ये जो असेंबली होती है ये भी हमने चेंज करी है, यहाँ से वाइपर चलाने के लिए और यहाँ से हेडलाइट्स की पार्किंग लाइट जलाने के लिए पूरी असेंबली इसकी चेंज करी गई है, और सारे गत्ते इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं प्रॉपर तरीके से, जो वायरिंग थी वो करी गई है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्विच आ जाते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर इंस्टॉल हुए हैं, और यहाँ पे इसकी जो ये बिडिंग होती है ये हमने नई इंस्टॉल करी है भाई, ठीक है, ये इंस्टॉल होती है। और ऐसे कंप्लीट होता है भाई इसका इंटीरियर। गाड़ी का क्या है रिव्यू, कस्टमर को गाड़ी कैसी लग रही है। भैया ये हैं हमारे अनुज भैया, ये गाड़ी हमारे पास आई है कानपुर से। कैसे हो भैया? बस बढ़िया भैया। ये लो पहले चाबी पकड़ो आप, ये चाबी आपके हाथों में आने में काफ़ी टाइम लग गया सबसे ज़्यादा। तो भैया गाड़ी कैसी लग रही है आपको? एक नंबर भैया। कुछ वैसे हम सही बता दूँ आपको, हम कुछ फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं, तो वो तो बाद में डिस्कस होंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ स्कॉर्पियो से रिलेटेड ही कर रहे हैं कुछ बड़े लेवल पे। और भैया गाड़ी कैसी लग रही है आपको? सारे एक नंबर भैया। और जो जो काम थे भाई बता दूं, इन्होंने खुद हमारे साथ लगकर भी और खुद सारा सामान अरेंज करके भी कराए हैं। और कैसा भैया आपको रिस्पॉन्स रहा आपका? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं भैया। ओके रिपोर्ट। तो भाई अब भैया को एक बार नोएडा छोड़ के आना हमने,
और यही सीन था। गाड़ी आप कमेंट डाउन कर देना, बता देना कैसी लग रही है अभी, कुछ एक गाड़ी की लुक है। अगर आपके पास भी है तो आप मेरे को businesswithdmechanic@gmail.com पे मेल कर सकते हो। गाड़ी की फोटोज भेजना मैं आपको। तो वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और भाई किसी को करानी हो तो मेल कर देना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।